फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी और उसकी विधि आप सबको बताऊंगी। पालक पनीर पनीर बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब मैं रेडी करके रखी हूँ। ये हो गया प्याज, ये मिर्च, ये लहसुन, ये अदरक, ये टमाटर काट के रखी हूँ बड़ा साइज, ये 200 ग्राम पनीर है, ये दही है, ये मलाई, ये गरम मसाला, ये नमक, ये मिक्स मसाला और ये हल्दी और ये मिर्चा लाल पाउडर और ये पालक। उबला हुआ पानी है, मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। गैस बंद कर दी, इसको बस 5 मिनट उबला हुआ पानी में रखना है, उसके बाद पालक हो जाएगा। उबालेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। मेरा 5 मिनट हो गया, अभी पानी में से मैं निकाल रही हूँ। पानी में से निकाल के उसके बाद मैं इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद पीसूँगी। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाली हूँ। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, छोटा चम्मच, 2 चम्मच जीरा डाल ली मैं इसमें। अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला तैयार करने के लिए जीरा तो डाल दी तेल गर्म करके, अब इसमें मैं ये लहसुन डालूँगी। लहसुन कम से कम है 8-10 कली है, लहसुन डाल दी। इसके बाद थोड़ा सा चटकेगा, उसके बाद मैं साथ ही साथ इसमें ये अदरक डाल रही हूँ। अदरक डाल के उसके बाद मैं ये दो जो मिर्चा रखी थी ना उसको थोड़ा सा बीच से काट ली हूँ कि वे तड़केगा नहीं। उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ, साथ ही साथ सब डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ये प्याज तब, उसके बाद मैं सब टमाटर डालूंगी इसमें। थोड़ा सा ब्राउन हो गया है मेरा प्याज, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बंद करके ठंडा करके पीसूंगी। पालक मैं जार में डाली हूँ, ठंडा हो गया ना, मैं इसी में इसको भी डाल रही हूँ। दोनों साथ साथ ही पीस लेंगे, दोनों साथ पीस के तब हो जाएगा एक ही में। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जीरा वगैरह तो मैं पहले ही डाल दी थी वो प्याज में, अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तेल में ही सब डाल रही हूँ कि होगा। 2 चम्मच में छोटा सा चम्मच है, चम्मच से मैं 2 चम्मच हल्दी डाली हूँ। उसके बाद 2 ही चम्मच मसाला डाल रही हूँ, मिक्स मसाला था वो, और छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे। देखो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा। अब इसमें जो ये पालक और टमाटर वमाटर पीस के रखी थी ना, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। इसको देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया था। ज़्यादा तो नहीं पकाना इसलिए कि पालक भी मैं थोड़ा सा गर्म पानी में डाली थी और प्याज टमाटर वमाटर सब भून के ही पीसी थी। में लगा है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा ही पानी डाल दे रही हूँ इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसको, थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। अब इसी में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। ये नमक है और ये मलाई है, ये मलाई है। आपके पास मलाई हो तो डालिए, नहीं तो मक्खन हो तो मक्खन डाल दीजिए, मक्खन डाल दीजिए। मलाई नहीं हो तो मलाई है तो मलाई डालिए, नहीं तो मक्खन डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं 2-3 चम्मच दही डालूंगी। ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच दही डाली हूँ स्वाद के लिए, इसको चलाना नहीं तो फट जाएगा। दही डाल के नहीं चलाने पर फट जाता है। इसमें पनीर डाल रही हूँ, पनीर डालने के कम 5 मिनट के बाद मैं इसको बंद करूँगी। पनीर डाल दी हूँ, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। बंद कर दी, 5 मिनट हो गया, देखिए मेरा पालक पनीर बन के एकदम तैयार हो गया है। कलर भी देखिए कितना अच्छा हुआ है।
देखिए मेरा पालक पनीर एकदम बन के तैयार हो गया। मैं इसमें निकाल ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ये मैं एक पनीर इतना रख ली हूँ, पनीर इसमें घिस के ऐसे डाल रही हूँ। आपके पास क्रीम हो तो क्रीम डाल दीजिए, नहीं क्रीम है तो पनीर ही डाल दीजिए। और कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है, आप इसको बनाइए और खिलाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। देखिए मेरा एकदम पालक पनीर बन के एकदम तैयार हो गया है, और आप बनाइए और खाइए और बताइए कि कैसा बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।